वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयं यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोयं वो विदधातु वांछितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बहुत गर्मी है ना, हाँ गर्मी बहुत है, ग्रीष्म काल है और गर्मी बहुत है और उसमें चुनाव की सरगर्मी है, चुनाव की सरगर्मी है। तो पिछले एक महीने से आप लोग सब समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, टीवी पर भी देख रहे हैं, इधर उधर चर्चाएं भी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी है? किसमें? वातावरण में तो है ही है, वातावरण में तो गर्मी है ही है, किंतु जो देश का राजनीतिक परिवेश है उसमें बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। और गर्मी किस कारण से है, गर्मी किस कारण से है? तो गर्मी इस कारण से है कि विशेषकर इस चुनाव में, इस चुनाव प्रचार में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है उस भाषा के कारण गर्मी है, भाषा के कारण गर्मी है। अब ऐसा है कि भाषा जो है वो मनुष्य के चरित्र का फोटोग्राफ है। भाषा क्या है? आपके कैरेक्टर का फोटोग्राफ है, आपके स्वभाव का फोटोग्राफ है ना? आपका फोटोग्राफ अलग, वो शरीर का फोटो हुआ। आपका चरित्र कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, आपका चेहरा, चरित्र, चलन ये सब कैसा है, ये अगर देखना हो तो उसके लिए आपकी भाषा जो है उसके ऊपर से, आपकी वाणी के ऊपर से आपका पूरा का पूरा फोटो खींचा जा सकता है। एक पाश्चात्य दार्शनिक ने एक स्थान पे बड़ा सुंदर कहा है कि वॉच योर थॉट्स दे बिकम योर वर्ड्स। आपके जैसे विचार होंगे वैसी आपकी भाषा हो। वॉच योर थॉट्स दे बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स दे बिकम एक्शंस। आपके जैसी भाषा होगी आपकी, जैसे आपके शब्द आपके मुंह से निकलेंगे वो क्या हो जाते हैं, दे बिकम योर डीड्स, दे बिकम योर एक्शंस, वो तुम्हारे कर्म बनते हैं। वॉच योर एक्शंस दे बिकम योर हैबिट्स। आपके जैसे कर्म होंगे वैसी आपकी आदतें होंगी, वैसा आपका स्वभाव होगा। वॉच योर हैबिट्स दे बिकम योर कैरेक्टर। जैसी आपकी आदतें होंगी वैसा आपका चरित्र होगा। एंड वॉच योर कैरेक्टर इट विल बिकम योर डेस्टिनी। और जैसा आपका चरित्र होगा वैसा आपका भाग्य होगा। समझ में आ रही बात? तो बात कहां से शुरू हुई? भाषा से शुरू हुई, भाषा से। तो मूलतः क्या है कि हमारी जो राजनैतिक, महाराज वेदांत सोडून पॉलिटिक्स बोला लागला तू, पॉलिटिक्स बोलत नहीं है, वेदांत संग तू, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, वेदांत की बात कर रहा हूं। तो वेदांत उपनिषदों में आया है कि शरीर मे विचर्षण जिह्वा मे मधुमत्तमा, वेदांत है जिह्वा में मधुमत्तमः। परमात्मा से हमने प्रार्थना क्या की,
कि मेरी जिह्वा जो है वो मधुमत्तमहा, मधुमत्तमा यानी क्या, मधु से भी अधिक मधुर हो, स्वीटर देन हनी, स्वीटर देन हनी। जिह्वा कैसी होनी चाहिए? स्वीटर देन हनी। तो जो राजनैतिक परिवेश बना हुआ है उसमें ऐसा है कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि अभद्र, अशोभनीय, अशिक्षित और अमंगल भाषा का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं सब लोग राजनीतिक परिवेश में। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभद्र, अशिक्षित, अशोभनीय लोग जो हैं उस परिवेश में इकट्ठे हो गए। देखिए आप, अशिक्षित लोग, अभद्र लोग, ऐसे लोग वहां उनकी मेजॉरिटी हो गई। मैं सब ऐसे हैं ऐसा नहीं कह रहा, सब ऐसे हैं ऐसा नहीं कह रहा, उनमें से मेजॉरिटी, अधिकांश, बहुतांश लोग जो हैं वो अभद्र हैं, अशिक्षित हैं और उनको शास्त्र का, धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं। शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है, धर्म का भी ज्ञान नहीं। देखिए हमारे यहां संस्कार होते थे तो उसमें एक राज्याभिषेक संस्कार होता था, राज्याभिषेक। अब तो नहीं होता राज्याभिषेक संस्कार, मगर पुराने जमाने में राजा बनाया जाता था, चाहे वो किसी भी तरह से बने, राजा जब बनता था तो उसका राज्याभिषेक संस्कार होता था। और उस संस्कार में राज मुकुट धारण करने के पश्चात उस राज्य का जो राजगुरु या राजपुरोहित जो भी होता था वो उस राजा के हाथ में एक सोने का दंडा, जिसको राजदंड कहते, एक सोने का दंडा वो उस राजा के हाथ में देता था और कहता था सर्वदंडोसी, कि हे राजन, ये जितनी प्रजा है उन सब के ऊपर तेरा दंड चलेगा, उन सब के ऊपर तेरा दंड चलेगा। अर्थात क्या, तू सबको दंड दे सकता, अगर कोई हमारे में से अपराध करे, प्रजा में से कोई भी उस राजगुरु को लेके, सब नीचे तक जितने हैं, कोई भी अपराध करे तो हे राजन तुम उनको दंड दे सकते हो, सर्वदंडोसी। तो राजा जो है उस दंड को स्वीकार करता था और दंड को स्वीकार करके उस राजपुरोहित को या राजगुरु को नमस्कार करता था। तो नमस्कार करने के बाद जो राजगुरु होता था, राज पुरोहित होता था, वो दर्भ का दंड लेता था। दर्भ मालूम है आपको? दर्भ कब देखा है? दर्भ देखा कभी पाया? दर्भ, दर्भ तो दर्भ होता, श्राद्ध में वगैरह इस्तेमाल कर। दर्भ का दंड लेके वो राजा के मस्तक पर प्रहार करता था। कौन? राजगुरु, राजपुरोहित। और क्या कहता था मालूम है? धर्म दंडोसी, तू सबको दंड दे सकता है मगर तुझको जो है धर्म दंड दे सकता है। अधर्म का आचरण अगर तू करेगा तो धर्म जो है वो तुझे दंडित करेगा। तो ऐसी हमारी परंपरा रही है। अब दुर्भाग्य से क्या हो गया कि धर्म को हमने संविधान में से ही निकाल दिया। धर्म निरपेक्ष, धर्माची ज्याला अपेक्षा नहीं तो धर्म निरपेक्ष, धर्म की जिसको अपेक्षा नहीं वो धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष शब्द का अर्थ ऐसा है। तो ऐसा होने के कारण सारा का सारा वातावरण जो है वो प्रदूषित हो गया, उसके कारण गर्मी बढ़ गई, उसके कारण गर्मी बढ़ गई। तू क्या है? तू गंदी नाली का कीड़ा है। तू क्या है? तू खून का सौदागर है, मौत का सौदागर है। तू क्या है? खून की दलाली करने वाला है। तू क्या है? तू अमुक है, चोर है, फलाना, तेरा बाप चोर। अरे 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 अरे, अरे। मैं किसी का नाम नहीं लेता मगर हम लोग आपस में एक दूसरे को गालियां दे रहे, नीच है, गाली दे रहे। और इनको ये बताने वाला कोई नहीं है कि ये जो तुम कर रहे हो वो अधर्म है, ये जो तुम कर रहे हो ये अधर्म है। तो सबसे ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि हमने धर्म को, नीति को समझा नहीं। हमारे यहां अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, उसमें एक शास्त्र है नीति शास्त्र, उसको कहते हैं।
नीति शास्त्र। नीति शास्त्र यानी क्या? नीति शास्त्र यानी हमारा आचरण कैसा हो, हमारा आचरण कैसा हो, इस विषय में जो शास्त्र हमको शिक्षा देता है उसको नीति शास्त्र कहते हैं। और उसमें नीति शास्त्र में वाणी के प्रयोग के संबंध में अनेक उपदेश दिए गए हैं। वाणी का हम कैसे प्रयोग करें? देखिए, परमात्मा ने हमको अनेक फैकल्टीज दी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं। कौन कौन सी? आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी काम करती हैं। आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से गंध ग्रहण करते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, और जिह्वा से, जिह्वा से क्या करते हैं? जिह्वा के 2 फंक्शन है। जिह्वा के डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिह्वा के ऊपर 2 जिम्मेदारियां हैं। कौन कौन सी? कौन सी? एक बोलना और एक खाना। बोलना और खाना, 2 जिम्मेदारियां जिह्वा पर हैं। अब ये दोनों जिम्मेदारियां हमारी जिह्वा की जो हैं, उसके अंदर हम किसी मर्यादा का पालन नहीं करते, न बोलने में मर्यादा न खाने में मर्यादा। रोग क्यों हो रहे? खाने से हो रहे। अद्यते अत्तिच भूतानि तस्मात् अन्नम तदुच्यते इति। तो रोग खाने के कारण हो रहे, और वातावरण में जो प्रदूषण हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? बोलने की वजह से हो रहा है, बोलने की वजह से हो रहा है। आपको मालूम है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? युद्ध क्यों हुआ? हालांकि अनबन थी, ठीक है, मैं इतना भीषण नरसंहार, इतना भीषण युद्ध क्यों हुआ? किसके बोलने से? किसके बोलने से हुआ? महाभारत में, यद्यपि मूल महाभारत में यह कथा नहीं है, लोक कथाओं में यह कथा महाभारत की कथा के रूप में प्रचलित है। मूल महाभारत में यह कथा नहीं, यह कथा अलग रूप में है। तो युधिष्ठिर को जब खांडव प्रस्थ का राज्य दिया गया तो युधिष्ठिर ने एक अपनी सभा बनाई, महल बनाया, और उस महल को विश्वकर्मा ने बनाया। विश्वकर्मा यानी कौन? देवताओं के इंजीनियर, मयासुर ने उस सभा को बनाया। और उस सभा में विशेषता क्या थी? तो सब कुछ आश्चर्यकारक था, सब कुछ आश्चर्यकारक था। अब मान लीजिए कोई एक हॉल है, उस हॉल के अंदर ऐसा लगता था कि वहां पानी है, ऐसा लगता था कि वहां पानी का एक कुंड है, किंतु वास्तव में वहां पानी नहीं होता। तो वो फ्लोरिंग, वो फर्शी, वो संगमरमर जो बिछाया, स्फटिक मणि का जो बिछाया गया था फर्श, वो ऐसा था कि जैसे पानी का भास हो। तो ऐसी अनेक आश्चर्यकारक चीजें थी। तो उसमें सभी राजाओं को निमंत्रण दिया गया था, तो दुर्योधन आदि कौरवों को वह निमंत्रण था। तो दुर्योधन जब आया तो वहां से जा रहा था, तो उसको लगा वहां पानी है, तो उसने अपनी धोती को ऐसे ऊपर उठा के वो चलने लगा, ठीक है, वहां पानी था ही नहीं, तो हंसने लगे लोग। महाभारत, मूल महाभारत में यह कथा है कि नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन और पांडवों के सेवकगण, ये दुर्योधन को देख के हंसे। वहां द्रौपदी का उल्लेख नहीं है, मूल महाभारत लोक कथा में है। तो हंसे दुर्योधन को देख के। थोड़े दूसरे एक हॉल में गया तो वहां बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे ये शतरंज बिछी हुई, कारपेट बिछा हुआ है, कारपेट, वास्तव में वहां क्या था? वहां पानी था। तो दुर्योधन जो है, कारपेट है इसलिए आराम से चलने लगा, और धड़ाम से पानी के अंदर गिरा, तो वहां भी हंसाई हुई। उसके बाद एक बहुत बड़ा दरवाजा, एक दरवाजा, स्फटिक का दरवाजा जो बंद है दरवाजा, ऐसा भास, वास्तव में वहां कोई दरवाजा था ही नहीं। तो दुर्योधन गया, दुर्योधन देखते हुए इधर ऊपर देखते, अहंकारी था, ऊपर देखते हुए गया और उसने दरवाजे को खोलने के लिए ऐसे जोर से धक्का मारा तो बैलेंस आउट हुआ, गिर, वहां दरवाजा था ही नहीं, गिर गया। फिर आगे गया,
फिर एक और दरवाजा वहां था, वास्तव में वो दरवाजा था किंतु ऐसा लगता था कि वहां दरवाजा नहीं, मैं सभा थी ना तो ऐसा लगता था कि वहां दरवाजा है ही नहीं। तो दुर्योधन जो है अहंकार के साथ चलते हुए गया और सीधे जाके दीवार से टकरा, वहां भी हंसे, कौन पांडव नहीं युधिष्ठिर उसमें नहीं है, मूल महाभारत में, मूल महाभारत में कौन है, नकुल सहदेव भीम अर्जुन, ये हंसे, ठीक है। मगर लोक कथा में ऐसा आता है कि ऊपर छज्जे पर बालकनी में द्रौपदी खड़ी थी और द्रौपदी ने ये देखा कि ये इस तरह से लड़खड़ा रहा है, गिर रहा है, पानी में गिर रहा है, दरवाजे में सिर मार रहा है, तो द्रौपदी ने वहां हंसकर कहा कि अंधे का बेटा अंधा होता है, क्या कहा, अंधे का बेटा अंधा होता है। उस एक कारण से जो दुर्योधन का वहां अपमान हुआ, उस एक कारण से महाभारत का युद्ध हुआ, एक शब्द केवल, क्या, अंधे का बेटा अंधा होता है। रामायण क्यों हुआ, रामायण की कथा आपको मालूम है, रामायण की कथा राइट नहीं, रामायण की कथा मालूम है कि नहीं है, फिर हाँ बोलने में क्या दिक्कत है, हाँ बोलने में क्या दिक्कत, रामायण की कथा मालूम है कि नहीं, इतना सब रामायण क्यों हुआ, नहीं कैकेयी के कारण नहीं हुआ, मंथरा, मंथरा बाहर गई, शहर में देखा सब तरफ फूल बांधे जा रहे हैं, सब तरफ डेकोरेशन हो रहा है, फव्वारे चल रहे हैं, दिवाली मनाई जा रही है, खुशी का वातावरण है, सब तरफ डेकोरेशन हो रहा है शहर में। उसने पूछा क्या बात है, ये सारा डेकोरेशन क्यों हो रहा, तो उसको नगरवासियों ने, अयोध्या के लोगों ने बताया, कल सुबह रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है, ठीक है। आई दौड़ते दौड़ते आई, आके उसने कैकेयी से कहा, क्या कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तो आपको मालूम है कैकेयी ने क्या किया, क्या बोली कैकेयी, क्या बोली, कैकेयी को आनंद हुआ, कैकेयी को प्रसन्नता हुई कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, कैकेयी के हर्षोद्गार हैं रामायण में, कैकेयी प्रसन्न हुई। तब उसने कहा, यला हुच्ची खुश आगली खती निन्मगन ये नाक्त नोडू, पागल है तू जो खुशी मना रही है, हा? तेरे पुत्र का अधिकार छीन कर वो अधिकार राम को दिया जा रहा है, इस बात पर विचार कर। ये शब्द किसके, यहां से रामायण की कथा प्रारंभ, यहां से रामायण शुरू। तो रामायण किस कारण हुआ, शब्द के कारण हुआ। रामायण क्यों हुआ, शब्द के कारण हुआ। महाभारत क्यों हुआ, शब्द के कारण हुआ। ये शब्द के अंदर बड़ी शक्ति है और जो चीज शक्तिशाली होती है उसका उपयोग संयम पूर्वक करना चाहिए, है ना। एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है ना, बहुत शक्तिशाली है, तो कोई भी किसी भी तरह से उसका उपयोग कर सकता है क्या, कोई ऐरा गहरा नथु खहरा दबा दिया बटन, देखते हैं आज एटम बॉम्ब चला के, देखते हैं चला सकते हैं क्या, हाँ, अत्यंत संयमित तरीके से, अत्यंत संयमित तरीके से उसका उपयोग करना पड़ता है। अच्छा देखिए, वाणी, वाणी परमात्मा ने हर प्राणी को दी है क्या, वाणी परमात्मा ने हर प्राणी को दी है क्या, नहीं, परमात्मा ने सोच विचार करके दी है, किसको दी है, मनुष्य को, क्यों दी है, क्योंकि उसके साथ एक बुद्धि नामक इक्विपमेंट दिया है, किसको, मनुष्य को, मनुष्य को बुद्धि है इसलिए वाणी है, मनुष्य के पास बुद्धि है इसलिए वाणी है। अगर बुद्धि ना होती तो गधे को वाणी दी क्या, गधे को परमात्मा ने वाणी वाचा शक्ति दी क्या, बोलने की शक्ति दी है क्या, वो केवल शब्द कर सकता है, वो केवल ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। शब्द जो है, वाणी जो है, वो मनुष्य का विशेष गुण है और वही एक गुण ऐसा है
जो मनुष्य को पशु को भिन्न करता है। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तक पशु नाराणाम बुद्धिर्तेषाम अधिको विशेष बुद्धिर्तेषाम अधिको विशेष बुद्धिर्विहीना पशु भी समान। तो बुद्धि के कारण हम मनुष्य है और बुद्धि है इसलिए वाणी है, बुद्धि का वाणी का संबंध है। अब तो वाणी जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी फैकल्टी, ऐसी एक शक्ति परमात्मा ने हमको दी है और उसका उपयोग करना ये संयम के साथ करना पड़ता है। उसका उपयोग अगर असंयमित तरीके से, अभद्र तरीके से, अशोभनीय तरीके से अगर हम करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? रामायण होगा, महाभारत होगा, आज जो हो रहा है वो होगा। अब ये वाणी जो है इसको हम हमारे जीवन में से निकाल सकते हैं क्या? ए नको बाबा यार वाणी मुड़े फार त्रास हो रहा है, बंदज करो टक, ऐसा हो सकता है क्या? बंद कर सकते हैं क्या वाणी? नहीं कर सकते, हमारा सारा व्यवहार बंद हो जाएगा। सबसे पहले टीवी बंद हो जाएगा क्योंकि टीवी में वाणी है। टीवी बंद, सीरियल बंद, कितना नुकसान होगा सोचिए। क्रिकेट की कमेंट्री बंद, वो भी वाणी है। सिनेमा बंद, वो भी वाणी है। भजन बंद, वो भी वाणी है। कीर्तन बंद, वो भी वाणी है। प्रवचन बंद, महाराज हे फार शानदार है, महाराज हे फार शानदार है, करुण टाका, करुण टाका बंद है। तो वाणी को अगर हम हमारे जीवन में से निकाल दें तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वाणी के बिना हम जी नहीं सकते, मगर उसको संयमित तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए वाणी से मंत्र बनता है। मंत्र क्या है? आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम मालूम है? उन्होंने एक वाक्य कहा था, एक वाक्य कहा, क्या? तुम मुझे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये एक वाक्य, पांच छह छह सात शब्दों का वाक्य, इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को बदल दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को बदल दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वाणी है। लोकमान्य तिलक ने क्या कहा? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इट इज माय फंडामेंटल राइट। इंडिपेंडेंस इज माय फंडामेंटल राइट, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो मंत्र बन गया। वो गांधी ने क्या कहा? अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, दो ही शब्द, दो शब्द, भारत छोड़ो। क्रांति हो गई 1942 में, अंग्रेजों को अंततः भारत छोड़ना पड़ा। किसके कारण? वाणी के कारण, वाणी के कारण। शास्त्र में कहा गया है लक्ष्मीर वसति जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रे मित्र बांधवाः, जिह्वाग्रे बंधनम प्राप्तम, जिह्वाग्रे मरणम ध्रुवम। ये सारी चीजें कहां रहती हैं? जिह्वाग्रे, जिह्वा की नोक के ऊपर रहती है। लक्ष्मीर वसति जिह्वाग्रे, लक्ष्मी कहां रहती है? जिह्वा के अग्र पर रहती है, जिह्वा के अग्र पर। आपने मार्केटिंग वालों को देखा, सेल्समैन लोगों को जो वस्तुओं को बेचने के लिए आते हैं, हाँ, कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं, हाँ, कितनी मीठी मीठी बातें, इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं वस्तु खरीदने के लिए। होते हैं कि नहीं? इंश्योरेंस वाले, इतने कौन इंश्योरेंस वाला आएगा? कौन है इंश्योरेंस वाला? इंश्योरेंस एजेंट, वो इंश्योरेंस एजेंट आता है घर पे, घर पे आता है और वो बैठता है, एक टेबल होता है उसके पास। अगर आप हर महीने 3,000 रुपए जमा करेंगे
तो आपके मरने के बाद 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। आपके मरने के बाद, और अगर आप समझिए 3,000 महीने में अगर आप जमा करेंगे, और इस महीने में आपने 3,000 जमा कर दिए, और अगले महीने भी अगर आप मरे तो भी आपको 2 करोड़ मिलेंगे। कौन बोलता है? LIC वाला बोलता है। पत्नी क्या बोलती है? आहो करुण टाका, आहो करुण टाका। इसमें फायदा किसका होता? एजेंट का। फायदा किसका होता है? एजेंट का। लक्ष्मी वसति जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रे लक्ष्मी ही वसती। और जिह्वाग्रे मित्र बांधवा, मित्र संबंधी वगैरह सब, इनके साथ जो हमारा संबंध है वो किसके ऊपर टिका हुआ है? जिह्वाग्रे। आपका मित्र आया घर पे, हाँ कशा लालास खत्म, कल से आएगा ही नहीं, कल से आएगा ही नहीं, या बसा रोज आएगा, है मित्र बांधवा। जिह्वाग्रे बंधनम प्राप्तम, लोग जेल जाते हैं, लोग जेल जाते हैं। क्यों जाते हैं? कुछ बोल दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, उल्टा सीधा कर दिया। अभी मालूम है क्या? नहीं, बंगाल में एक लड़की को जेल जाना पड़ा, जेल जाना पड़ा, एक लड़की को जेल जाना पड़ा। क्यों? जिह्वाग्रे व्हाट्सएप के ऊपर या कहीं उसने कुछ चित्र बनाया किसी का, तो जेल जाना पड़ा। तो जिह्वाग्रे बंधनम प्राप्त, जेल में जितने लोग हैं वो अपनी जिह्वा के कारण। और जिह्वाग्रे मरणम ध्रुवम, मरण भी प्राप्त होता है। आपने वो लेखक है प्रसिद्ध सलमान रुश्दी, उसका नाम सुना? नहीं सुना होगा, सुना है? एक लेखक है अंग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक, उसने किसी धर्म विशेष संप्रदाय विशेष के बारे में कुछ लिख दिया, तो उस विशेष वर्ग के लोगों ने कहा कि जो इसको मारेगा उसको हम इतने अरब खरब डॉलर देंगे। क्यों? किस लिए? क्यों उसने लिखा जिह्वाग्रे वाणी? तो आप देखिए ये कितना अनर्थ करने वाले। देखिए जिह्वा जो है, जिह्वाग्रे वसते लक्ष्मी, वो जिह्वा से वाणी के द्वारा हम लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं, मित्र बांधवों को प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या? जिह्वाग्रे बंधनम प्राप्तम, जिह्वाग्रे बंधनम प्राप्तम, जिह्वाग्रे मरणम ध्रुवम। गलत बात बोलने से मरण भी हो सकता है, मरण भी हो सकता है। आजकल हमको सबको आदत पड़ गई, आदत किस बात की? किस बात? ये जो सोशल मीडिया है उसका नाम क्या? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इसके बिना हम नहीं रह सकते, इसके बिना हम। और उसमें क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं? जो हमारे मन में आता है वो लिख देते हैं बस, जो हमारे मन में आया वो उसके अंदर लिख दिया। उसका परिणाम क्या होगा? उससे किस कौन आहत होगा, किसकी भावना को ठेस पहुंचेगी, हाँ कितनी अशांति फैलेगी, हाँ किसी को दुख होगा, इन सारी बातों पे हम विचार करते हैं क्या? नहीं विचार करते। हमारे यहां क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी क्या? जो मन में आए बोलो, बोलने की आजादी है, किसी को भी कुछ भी बोलो, बोलने की आजादी है, बोलो बोलो। मगर हम ये भूल जाते हैं कि मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां तक है, उसकी मर्यादा क्या है। उसकी मर्यादा वहां है जहां से दूसरे का फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रारंभ होता है, वहां तक है। तू, तुझा बाप, हो गया शुरू, शुरू हो गई बात। बाप आजा, आजा मंडले की पणजा, उसकी कोई सीमा नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं।
तो इसलिए नीति शास्त्र कैसे बोलना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस विषय में हमारे पास बहुत चिंतन मनन मंथन हुआ है। और उसमें भर्तृहरि नाम के बहुत बड़े मनीषी हमारे पास हुए हैं और उन्होंने नीति शतक नामक 100 श्लोकों का एक ग्रंथ लिखा है। उसमें का एक अत्यंत प्रसिद्ध और अत्यंत प्रासंगिक ऐसा श्लोक है। भर्तृहरि कहते हैं कि केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमन नालंकृता मूर्धजा वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणान सर्दम वाग भूषणम भूषणम। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम केयूराणि न भूषयन्ति, यहां वर्णन हो रहा है कि आभूषणों का वर्णन हो रहा है। केयूर कहते हैं वो जो यहां पहनते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, बाजूबंद, बाजूबंद उसको केयूर कहते हैं। तो केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, पुरुष को या स्त्री को केयूर जो है वो आभूषित नहीं करता, उसको सुंदर नहीं बनाता। हारा न चंद्रोज्वला, चंद्र के समान दैदीप्यमान ऐसे रत्नों से बने हुए जो हार हैं वो भी उस पुरुष को अलंकृत नहीं करते। न स्नानम, न स्नानम, स्नान अनेक प्रकार के स्नान है, स्टीम बात है, और कौन सा होता है, शवर बात, तब बात, सन बात, सन बात, सन बात, और कौन सा, और वो क्या बोलते हैं उसको, स्पा, जकूजी, ऐसा कुछ होता है, मालूम नहीं, देखा नहीं, सुना है। तो जकूजी बात, वो बात, ये बात, न स्नान, कितने भी प्रकार के स्नान आप कीजिए उससे आपका सौंदर्य नहीं निखर सकता। न स्नानम न विलेपनम, विलेपन यानी क्या, विलेपनम यानी, विलेपनम यानी चंदन लगाना, हल्दी लगाना, मेहंदी लगाना, स्नो लगाना, पाउडर लगाना, ये सारा जो कुछ है फेयर एंड लवली, विलेपन न विलेपन, विलेपन से भी मनुष्य सुंदर नहीं होता। नालंकृता मूर्धजा, मूर्धजा यानी क्या, मूर्धा यानी सिर, मूर्धजा यानी उसमें से उत्पन्न होने वाला, उसमें से उत्पन्न होने क्या, बाल, नालंकृता मूर्धजा, यानी हेयर स्टाइल आप कितने भी प्रकार की करें, हेयर स्टाइल देखिए, हेयर स्टाइल करने के लिए कितना समय खर्च होता है आजकल मालूम है ना आपको, उसमें 1000 पिन चुबा के रखते हैं और वो ऐसे गोल गोल क्या वो प्लास्टिक के वो घुसाते हैं अंदर, उसको गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, कुछ कुछ करते हैं, रंग करते हैं, अलग अलग तरह के रंग, मैचिंग ड्रेस, लाल रंग की ड्रेस होगी तो लाल रंग के बाल होंगे, नीले रंग की ड्रेस नीले, आपने देखा टीवी में सिनेमा में वगैरह दिखाई दे रहे, नीले रंग के ड्रेस, नीले रंग के बाल, नालंकृता मूर्धजा, हेयर स्टाइल आप कितनी भी प्रकार की करें उससे आप सुंदर नहीं होते। वाणिये का समलंकर होती पुरुषम, वाणी एका, एक वाणी ही समलंकरोति पुरुषम, उस पुरुष को अलंकरोति, उसको सुंदर बनाती। क्या चीज सुंदर बनाती, स्नान, विलेपन, बाल, नहीं वाणी। और वो वाणी कैसी, या संस्कृता धार्यते, वाणी सुसंस्कृत होनी, संस्कृत यानी संस्कृत भाषा नहीं बोल रहा मैं, आप कोई भी कन्नड़ भाषा बोलिए, उर्दू भाषा बोलिए, कोई भी भाषा बोलिए, मराठी बोलिए, तेलुगु बोलिए, तमिल बोलिए, कोई भी भाषा बोलिए, मगर वो कैसी होनी चाहिए, सुसंस्कृता या संस्कृता धार्यते। संस्कृत यानी क्या, जिसके ऊपर संस्कार किया गया हो, जिसके ऊपर संस्कार किया गया हो वो वाणी जो है संस्कृत वाणी कहलाती है।
संस्कार यानी क्या? संस्कार, वाणी के ऊपर संस्कार। संस्कार यानी क्या? संस्कार यानी उसको कल्चर करना, उसको उसको सुधार करना उसके अंदर। जैसे पत्थर होता, पत्थर को आपने संस्कार कर दिए तो क्या बन जाता है? मूर्ति बन जाती है। उसके जो रफ एजेस हैं उनको आपने निकाल दिया तो क्या बन जाता है? संस्कार। ऑयल है, जमीन में से समंदर में से निकलने वाला ऑयल है, तेल है, उसके ऊपर आपने संस्कार किया, क्या बना? देखिए, जमीन में से निकला हुआ तेल, जमीन में से समंदर में से निकला हुआ तेल, उस तेल से मोटरसाइकिल चलती क्या? आप दुबई गए, वहां पर वो क्या ऑयल के वेल्स हैं, कुएं हैं, वहां से आपने एक 10 लीटर का कैन लिया और वो तेल आपने सीधे डाल दिया किसके अंदर? मोटरसाइकिल में। आपकी मोटरसाइकिल चलेगी क्या? कब चलेगी? उसको प्रोसेस, हाँ अच्छा शब्द है प्रोसेस, उसको प्रोसेस करके, उसको सुसंस्कृत करके, उसके बाद उसका जो डीजल या पेट्रोल जो भी बनता है वो अगर आप डालेंगे आपकी मोटरसाइकिल में तो आपकी मोटरसाइकिल चलेगी। न सिर्फ मोटरसाइकिल चलेगी, हवाई जहाज भी उड़ेगा। शक्ति है उस तेल के अंदर, मगर कब? वाणी के अंदर शक्ति है, मगर कब? जब उसका आप संस्कार करें। या संस्कृताधार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणान सततम वाग्भूषणम भूषणम। ये सारे जितने आभूषण हैं, इन सारे आभूषणों की शोभा जो है क्षीयन्ते, क्षीयन्ते यानी फीकी पड़ जाती है। केयूर है, ब्रासलेट है, उकड़ा है, हार है, हारा चनरोज वाला, ऐसे बड़े बड़े नेकलेस हैं आपके, हेयर स्टाइल है और सब कुछ आपने सुंदर सुंदर जो भी बनाया उसकी सारी शोभा जो है वो फीकी पड़ जाती। क्षीयन्ते खलु भूषणान सततम वाग भूषणम भूषणम। वाणी जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा भूषण है, वाणी जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। अब वाणी कैसी होनी चाहिए, वाणी कैसी होनी चाहिए, तो हमारे यहां इसके ऊपर बड़ा विचार है। भगवान ने गीता में कहा है, 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम् तप उच्यते। भगवान कहते हैं वाङ्मय तप, वाणी के द्वारा किया जाने वाला तप। देखिए कितना सुंदर शब्द है, वाङ्मयम् तप उच्यते, वाणी के द्वारा किया जाने वाला तप। तप कह रहे हैं भगवान उसको, वाणी के द्वारा। तो वो कैसा होना चाहिए? तो अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत। चार चीजें भगवान ने बताई। क्या? सबसे पहले हमारी वाणी कैसी हो? सत्यम, सत्य होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, झूठ न बोले, सत्य बोले। और वो सत्य कैसा बोले? प्रिय होना चाहिए, सत्य भी हो और प्रिय भी हो, सत्यम प्रिय हो। तीसरी बात क्या? हितम, वो सुनने वाले का हित करने वाली हो। बड़ी महत्व की बात है वाणी का प्रयोग जब आप करें तो। चार उसके टेस्ट हैं वाणी के, चार प्रकार के टेस्ट से वाणी को गुजरना है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत, चार चीजें हैं। सबसे पहले सत्य, सत्य कैसा हो? प्रिय होना चाहिए, और प्रिय होते हुए वो हितकर होना चाहिए। और चौथी बात क्या बड़े महत्व की? अनुद्वेगकरम, सुनने वाले में उद्वेग उत्पन्न ना करे। हमारे यहां कहा गया बड़ा सुंदर, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियंच नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। सत्य कैसा हो? मीठा होना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय अगर हो
और वो सत्य हो तो भी ना बोलना चाहिए। अप्रिय अगर हो और वो सत्य हो, मान लीजिए तुम्हें फार काले आए थे, मुझको दिख रहा क्या ये आदमी, मुझको दिखाई ये आदमी काला, आवश्यकता है क्या तुम्हें काले आज बोलने की? अगले पूर्णिमा को आएगा क्या, आएगा क्या? हाँ नहीं आएगा। ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अगर वो सत्य भी हो और अप्रिय हो तो नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए वो मीठे तरीके से प्रिय तरीके से बोलना चाहिए। ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय अगर हो तो वो सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियंच नानृतम ब्रूयात, प्रिय है मगर वो असत्य है तो नहीं बोलना चाहिए। प्रियंच नानृतम न अनृतम ब्रूयात, अनृत यानी असत्य, वो प्रिय है मगर असत्य है तो वो नहीं बोलना चाहिए। यानी क्या, झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए। तुम्हें सेम अमिताभ बच्चन सर का जिसुलाल बगा दे खरच तुम्हें अमिताभ बच्चन क्या है प्रिय है, तुम्हारा बर वाटल कि नहीं, अमिताभ बच्चन म्हणलो बर वाटल कि नहीं, बर वाटल पण ते खरं आहे का, ते खरं आहे का? तुम्हालाही माहिती आहे मलाही माहिती आहे खरं नाही ते ना। सत्यम प्रियंच नानृतम ब्रूया, प्रिय है मगर वो अनृत है, अगर असत्य है तो न ब्रूया। एष धर्म सनातन, वाणी के विषय में ये हमारा सनातन धर्म है, हम इसका पालन कर रहे हैं क्या? एक महीना कितने 49 डेज हो गए, किसको किसको इलेक्शन कैंपेन को स्टार्ट होके 49 डेज हुए। मैं पॉलिटिक्स नहीं बोल रहा, वेदांत बोल रहा हूं। 49 डेज हुए, इन 49 दिनों में 4900 गालियां हमने सुनी टीवी के ऊपर, कितनी 4900 रोज 100 गालियां, ये उसको गाली दे रहा वो उसको गाली दे रहा, ये उसको गाली दे रहा वो उसको गाली दे रहा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे यहां हमारे शास्त्रों में नीति शास्त्र में वाणी के प्रयोग के संबंध में बड़े गंभीर ऐसे विचार है। एक बड़ा प्रसिद्ध ऐसा श्लोक है, सुलभा पुरुषाराजन सततम प्रियवादिनः, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। ये महाभारत का श्लोक है कि सुलभा पुरुषाराजन सततम प्रियवादिनः, सतत प्रिय बोलने वाला पुरुष तो सतत कहीं भी मिल जाता है, सुलभ है कहीं भी मिल जाता, सतत प्रिय बोलने वाला व्यक्ति कहीं भी हमको मिल जाता है। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः, अप्रिय और हितकर, अप्रिय और हित करने वाला वाक्य, बोलने वाला भी दुर्लभ और उससे भी दुर्लभ सुनने वाला, उससे भी दुर्लभ सुनने वाला। तो कब बोलना चाहिए अप्रिय वाक्य, कब बोलना चाहिए? जब सुनने वाला के सुनने वाले की पात्रता हो कि ये जो बोल रहा है इसके बोलने से अगर मैं सुनूंगा तो मेरा लाभ होगा, ऐसा भाव उसके अंदर होगा तो अप्रिय वचन भी बोलना चाहिए। किंतु अगर वहां सुनने की पात्रता नहीं है तो वहां अप्रिय वचन बोलकर फायदा क्या? तू मन लगे तो बाप मणते तुम, गाढ़ मन लगी दूसरा का तरी मणते पुत्र मणत कुछ भी बोल देता। तो इसलिए भाषा की मर्यादाएं होती। एक प्रसंग ऐसा ही याद आ रहा कि हैदराबाद में एक बहुत बड़े सरदार हुए प्रभु महाराज के शिष्य, उनका नाम था महाराजा किशन प्रसाद बहादुर, हैदराबाद के प्रधानमंत्री थे वो। उस्मान अली पाशा से उम्र में बड़े थे, उस्मान अली पाशा यानी निजाम के निजाम, स्वयं निजाम राजा, उनसे उम्र में बड़े थे। तो कहीं किसी सभा में, अब जितने भी साल बड़े होंगे मुझे मालूम नहीं है, मैं ऐसा समझ रहा हूं 2-3 साल बड़े होंगे,
तो किसी सभा के अंदर किसी ने कहा कि आप सरकार से बड़े हैं, आप यानी किशन प्रसाद बहादुर से कहा कि आप सरकार से बड़े हैं, है ना, करेक्ट है ना वाक्य, तो करेक्ट है ना, आप सरकार से बड़े हैं। तो किशन प्रसाद बहादुर ने कहा ये बेअदबी है, ये भाषा का प्रयोग ठीक नहीं हुआ, मैं सरकार से 2 साल पहले पैदा हुआ, सरकार से बड़ा कैसे हो सकता। वाणी के अंदर देखिए, वाणी जो है कितनी पॉलिश्ड, कितनी कल्चर्ड है, कितनी सुसंस्कृत भाषा है। उर्दू भाषा को इसीलिए कहते हैं कि भाषाओं की रानी है उर्दू भाषा। उसके अंदर ये नहीं कहते घोड़े से गिर गया, कहते सरकार घोड़े से अलग हुए। उर्दू भाषा को भाषाओं की रानी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक नजाकत है, उसके अंदर एक अदब है, उसके अंदर एक सुसंस्कृतता है, उसके अंदर एक तहजीब है। कह सकते ना कि सरकार घोड़े पे जा रहे थे गिर गए, सरकार घोड़े पे जा रहे थे गिर गए, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं बोलते उर्दू में, उर्दू में क्या बोलते हैं, सरकार जा रहे थे और घोड़े से अलग हो गए। अलग हो गए यानी क्या हुआ, गिरे, गिरे, सरकार घोड़े से अलग हो गए। तो इसको एक वाणी का एक सुसंस्कृत पना उसको कहते हैं। तो ये जो वाणी है, इस वाणी का सम्यक उपयोग करना जो जान गया, उसको जीवन में सफलता प्राप्त होती है। और जो वाणी का अनर्गल उपयोग करता है, वाणी का अनर्गल उपयोग करता है, वो असफल होता है, वो असफल होता है। इसका प्रमाण क्या, कैसे मालूम प्रमाण क्या, 23 तारीख को टीवी लगा के देख लो। वाणी का जो सम्यक प्रयोग करता है वो सफल होता है, और वाणी का अनर्गल प्रयोग जो करता है वो असफल होता है। प्रमाण क्या, 23 तारीख। तो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो वेदांत की बात कर रहा हूं, चुनाव से मेरा कोई लेना देना नहीं, चुनाव से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मगर मैं इस समाज में रहते हुए उससे अपने आप को अलग भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहां जो टीवी के ऊपर जो हो रहा है, अखबार के अंदर जो आ रहा है, फेसबुक में जो आ रहा है, सोशल मीडिया में जो आ रहा है, चारों ओर जिसकी चर्चा है, उससे मैं अलग नहीं हो सकता। अभी क्या कहा, क्या कहा, ज्ञानी जो है वो संसार के सुख दुखों से अलग नहीं रह सकता, अलग नहीं रह सकता। तो मैं भी अलग नहीं रह सकता, मुझको भी दुख होता जब कोई कहता तू गधा है, तू वो है, तू फलाना है, क्या चोर है, तेरा बाप चोर है, हा? नाली का कीड़ा है, खून का दलाल है, मौत का सौदागर है, हा? और क्या, और बहुत सी चीजें, नीच है, फलाना है, डिमका, एक जो भी है, किसी का नाम नहीं ले रहा, ये ध्यान रखना है। तो उद्यान महाराज ऐसा मना ले, ऐसा मना ही सर। तो कहने का तात्पर्य है वाणी के ऊपर लगाम होनी चाहिए, वाणी के ऊपर लगाम होनी चाहिए। हम जो बोले वो सभ्यता से बोले, सुसंस्कृत पद्धति से बोले, सुरुचिपूर्ण शब्दों में बोले, और सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोले और प्रिय बोले, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो ये ऐसी वाणी उस परमात्मा की, प्रभु परमात्मा की कृपा से हमको प्राप्त हुई। अब उस वाणी का, उसके अंदर ये खतरे हैं, उस वाणी के उपयोग में जो मैंने अभी आपको गिनाए वो सारे खतरे हैं। तो हम क्या करें, हम खामोश होकर बैठे क्या, नहीं, उस वाणी को हम दूसरी दिशा में चैनलाइज करें, हम दूसरी दिशा में उसको प्रवाहित करें। कौन सी दिशा में, माणिक माणिक जय गुरु माणिक 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 शिव हर माणिक शिव हर माणिक इसमें कोई नुकसान है क्या, इसमें कोई आपको जेल में डालेगा क्या, कोई मान हानि का दावा करेगा क्या, नहीं करेगा ना।
तो इसी का अवलंब करें, ऐसा इसका इस वाणी का अवलंब प्रभु के स्मरण में करने की बुद्धि आपको प्राप्त हो, इस आशीर्वाद के साथ आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।